English students, welcome back to online classes. This video is for class 2nd and subject is English reader. Bete, as you know, our model test paper 1st is going on and we have completed half part of model test paper. And today we will continue same model paper. Aage ki exercise karenge model paper ki. Okay, bete. So get ready quick and take out your books, open model test paper. First, see beta, in our previous video we have completed this one, okay, and today we will start from page number 64. It is your page number 64. On page number 64, exercise D, answer the following questions. What did Priya tell her mother after her birthday party? To birthday party ke baad प्रिया ने अपनी मम्मी को क्या बताया, अपनी माँ को क्या बताया? बेटा यू विल राइट डाउन आंसर्स हियर. यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है तो यहाँ आप इसके आंसर्स लिख लोगे. ओके बेटे, आई एम जस्ट स्पीकिंग द आंसर. मैं आंसर आपको बोलकर बता रही हूँ, आप आंसर राइट डाउन कर लोगे. वैसे भी आपने सारे चैप्टर रीड किए हैं तो आपको भी आंसर आना चाहिए इस चैप्टर इसका, इन क्वेश्चंस का. ओके बेटे, सो आप बताइए क्या बताया था प्रिया ने. प्रिया ने बताया था, प्रिया टोल्ड हर मदर आफ्टर हर बर्थडे पार्टी अबाउट हर ड्रीम. अपने ड्रीम के बारे में उसने बताया. एंड सी सैड, मम्मा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर बी लेट. मैं आज से कभी भी लेट नहीं होंगी. ओके, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर सेव्ड बाय ब्रेव बबली. ब्रेव बबली ने कितने बच्चों को बचाया था? तो हाउ मैनी की जगह पर सिक्स लिख देंगे. सिक्स चिल्ड्रन वर सेव्ड बाय ब्रेव बबली. क्लियर बेटे? नेक्स्ट है, हु वॉज द फादर ऑफ अर्कस. अर्कस के फादर कौन थे? तो अपन आंसर में लिख देंगे, जुपिटर वॉज द फादर ऑफ अर्कस. अर्कस के फादर कौन थे? जुपिटर. What do the trees do when the wind passes by? जब पेड़ों में से हवा निकलती है तो पेड़ क्या करते हैं? They bow down their heads. वो अपने सर को झुका लेते हैं. तो trees bow down their heads when the wind passes by. जब पेड़ों से हवा निकलती है तो गुजरती है, ये भी कह सकते हैं, तो वह अपने सिर झुका लेते हैं. हु एट लिटिल राउंड बन एट लास्ट. सबसे लास्ट में लिटिल राउंड बन को कौन खा गया? तो फॉक्स. द फॉक्स एट लिटिल राउंड बन एट लास्ट. गॉट इट? नाउ ट्रू फॉल्स, राइट टी और एफ इन द बॉक्सेस. ये आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं. द लिटिल प्लांट डिडंट हियर The voices of the sunshine and raindrop. It is false. क्योंकि प्लांट ने तो सुना था उनकी वॉइस और उनकी वॉइस सुनकर वो बाहर आ गया था. तो इट इज़ फॉल्स. क्लियर बेटे? नेक्स्ट है, द फॉक्स गबल्ड अप लिटिल राउंड बन. यस ट्रू, इट इज़ ट्रू. ट्रू लिख देंगे यहाँ पर. नेक्स्ट है, फादर केम होम अर्ली विद द मिकी माउस बर्थडे केक. यस, प्रिया के बर्थडे वाले दिन पापा जल्दी आ गए थे केक लेकर. नीदर आई नॉर यू हैव सीन द विंड. ट्रू, किसी ने भी हवा को नहीं देखा, ना तो तुमने ना मैंने. कॉलिस्टो इज नॉन एज द ग्रेट बियर एंड अर्कस एज द लिटिल बियर. ट्रू. नेक्स्ट बेटा, पिक द ऑड वन आउट. इनमें से आपको जो डिफरेंट है वो लिखना है यहाँ पर. ओके बेटे, तो शर्ट, जीन्स और पैंट. इट शुड बी जीन्स. JEANS, जीन्स. ओके, पैन, चेयर, पेपर. तो पैन और पेपर कॉम्बिनेशन में आता है चेयर. CHAIR. डक, स्वान, चिकन. चिकन, CHICKEN.
नेक्स्ट है येलो फ्लावर ब्लू फ्लावर। ओके बेटा, नेक्स्ट है लिविंग रूम बेडरूम क्लासरूम। क्लासरूम इज डिफरेंट, लिविंग रूम और बेडरूम तो घर में होते हैं लेकिन क्लासरूम स्कूल में होता है। ओके बेटा, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ फॉलो द इंस्ट्रक्शन, ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है ब्रैकेट में, वो आपको फॉलो करनी है। अब देखो, धनेश डजंट और डोंट ईट आइसक्रीम। चूज द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस चूज करना है आपको। कैसे बेटा, आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये डजंट जो है ना, डजंट का मतलब होता है बेटा डज नॉट। क्या मतलब होता है? डज नॉट। और ये डोंट है, डोंट का मतलब होता है डू नॉट। फर्स्ट दिस थिंग इज क्लियर। एंड सेकेंड, डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं और डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो धने सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? डजंट। आंसर क्या है हमारा? डजंट। धनेश डजंट ईट आइसक्रीम, करेक्ट। दिवाली क्रिसमस एंड ईद आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। यूज़ कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। कैपिटल लेटर आपको यूज़ करना है इसमें। तो बेटा, जब ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, इनके नाम से नाम इनके नेम को जब हम स्टार्ट करते हैं या इनके नेम जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो अपन दिवाली का डी कैसा बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे। ओके, क्रिसमस का सी भी कैपिटल बनाएंगे और ईद का आई भी कैपिटल बनाएंगे। ओके, एंड ऑल ओवर इंडिया, इंडिया का आई भी कैपिटल आएगा। ओके, नेक्स्ट है द इंडियन सोल्जर्स फॉट द वॉर विद ग्रेट करेज। पिक आउट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनसे किसी फीलिंग ना, जैसे जिनको हम टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते लेकिन उनको फील कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, तो इट इज़ करेज। करेज, ठीक है। सी ओन्स अ हॉर्स इट्स राइट पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन लिखना है, तो पजेसिव प्रोनाउन बताया था मैंने आपको ग्रामर में। पजेसिव प्रोनाउन होता है बेटा जिसमें हम अपना अधिकार बताते हैं। तो सी ओन्स अ हॉर्स, उसने एक हॉर्स लिया। इट्स हर्स, यह उसका है। हर्स मीन्स उसका। नेक्स्ट है बेटा लीव टॉय जेंटलमैन चाइल्ड, राइट प्लूरल ऑफ दीज वर्ड, इनके प्लूरल लिखने हैं। तो लीव का तो क्या होता है बेटा? लीव्स होता है, एल ई ए वी ई एस, लीव्स। ओके, टॉय का टॉयज, टी ओ वाई एस टॉयज, टी ओ वाई एस टॉयज। जेंटलमैन जी ई एन टी एल ई एम ई एन, जेंटलमैन। ओके, एम ए एन को एम ई एन कर देंगे। चाइल्ड का चिल्ड्रन, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन। ओके, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है प्लूरल। गॉट इट बेटा। नेक्स्ट है यू मस्ट मस्टंट, मस्टंट मतलब मस्ट नॉट होता है। इधर समवंस रूम विदाउट नोकिंग, तो बताओ हमें किसी के भी रूम में नोक करके जाना चाहिए या विदाउट नोक करे? टेल मी, नोक करके जाना चाहिए ना, गुड। तो वी मस्ट नॉट, क्या आएगा आंसर इसका? यू मस्ट नॉट एंटर समवंस रूम विदाउट नोकिंग, बिना नोक किए तुम्हें किसी के रूम में नहीं जाना चाहिए। क्लियर बेटे? नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंस, रीराइट देम यूजिंग फर्स्टली नेक्स्ट देन एंड फाइनली। हमें फर्स्टली नेक्स्ट देन फाइनली, तो पहले हम सेंटेंस रीड करेंगे। आई विल बाय द टिकट, आई विल टेक अ टैक्सी एंड गो टू द रेलवे स्टेशन, आई लीव फ्रॉम होम एट 2:30 PM।
आई वेट फॉर द ट्रेन। ओके बेटे, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेलवे स्टेशन जाने का एक छोटा सा सीन है ये। तो सबसे पहले सेंटेंस में आएगा बेटा फर्स्टली, सेकेंड वाले सेंटेंस से पहले अपन क्या लिखेंगे, फर्स्टली। तो एफ आई आर एस टी एल वाई, कॉमा लगा देंगे फर्स्टली। आई सॉरी फर्स्टली इससे पहले नहीं आएगा, मिस्टेक से लिख गया, यह आएगा फर्स्टली आई लीव, सबसे पहले घर छोड़ेंगे ना, फर्स्टली आई लीव फ्रॉम होम एट 2:30 PM, सबसे पहले मैं 2:30 PM पे घर छोड़ूंगा। आई लीव फ्रॉम होम है ना एट 2:30 PM, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देन आई टेक अ टैक्सी टू गो टू द रेलवे स्टेशन। इसके बाद आएगा नेक्स्ट, एन ई एक्स, एन को कैपिटल लिखेंगे, नेक्स्ट कॉमा आई टेक अ टैक्सी एंड गो टू द रेलवे स्टेशन, देन आई बाय THENT कैपिटल आएगा, कॉमा THEN, देन आई बाय द टिकट। ओके, और लास्ट में यहाँ आएगा फाइनली, कॉमा आई वेट फॉर द ट्रेन। कंप्लीट। सो दिस मॉडल टेस्ट पेपर इज कंप्लीट नाउ। यू विल राइट डाउन क्वेश्चन आंसर्स हियर, यहाँ आप क्वेश्चन आंसर अपने लिख लोगे बुक में, नोटबुक में। बेटा कोई भी होमवर्क नहीं करना, बुक में ही आपको यहाँ पर अच्छे से लाइन ड्रॉ करके 5 questions दिए हुए हैं आपको, उनके आंसर्स आपको राइट डाउन करने हैं। और उसके साथ साथ ही आप चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर है अपना कालिदास, कालिदासा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आप ये चैप्टर रीड कर लेना, ओके। रीड कर लोगे तो आपको हार्ड वर्ड्स प्रॉप समझ आ जाएगा कि कौन कौन से वर्ड्स आपसे रीड आउट नहीं हो रहे हैं, ओके। तो मैम रीड करेगी तो आप उनको ध्यान से सुन लेना। तो ये भी आपको आपको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है, ओनली रीडिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ये चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ स्टे होम।